हाय एवरीवन, आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर लॉग। और अभी की अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक, अगर पिछली वीडियोस तुमने नहीं देखी हैं और डायरेक्टली ये देख रहे हो तो भी समझ में आएगा, बट अगर नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस देख लो। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, बेसिक्स बताया है, बोरोल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया है, डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो उन वीडियोस को देखने के बाद जब आप यहाँ आते हो तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। सो टेम्परेचर लॉग में क्या करते हैं हम, क्या बेसिकली क्या हमारा काम क्या है? जो इसका मेन पर्पस है वो बोरहोल टेम्परेचर को मेज़र करना है, ठीक है। टेम्परेचर लॉग इज ए टूल फॉर मेजरिंग द बोरहोल टेम्परेचर, जिसके थ्रू हम फॉर्मेशन टेम्परेचर्स के बारे में जानेंगे। ये एक चीज़ भी है, बट पहले एक थोड़ी एक तुम्हें एक आइडिया दे देते हैं कि क्या होता है, बाकी तो डिटेल डिस्कशन करनी ही है। सो अ नॉलेज ऑफ बोरहोल टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके यूज़ क्या क्या हैं, लॉग इवोल्यूशन में है, डिटेक्शन ऑफ फ्लूड मूवमेंट में है, सब सरफेस प्रेशर्स को जानने में है, सोर्स रॉक की मैच्योरिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानते हैं, मैच्योरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कह लो। तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं या यूजेस कह लो, जो भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं और उनको डिटेल में जानेंगे। देखो इन जनरल क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ यूजली इंक्रीजेज विद डेप्थ। तो इन जनरल क्या होता है, टेम्परेचर डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, ओके। इससे हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, जो थर्मल एनर्जी है दैट इज फ्लोज फ्रॉम अर्थ इंटीरियर टू द सर्फेस, समझे, जो थर्मल एनर्जी है दैट फ्लोज फ्रॉम अर्थ इंटीरियर टू द सर्फेस। अब मान लो हमने कोई वेल ड्रिल किया तो वहाँ पे हमें जनरली क्या दिखता है, देयर इज अ राइज ऑफ टेम्परेचर विद डेप्थ, ओके। जैसे हमने कोई वेल ड्रिल किया तो व्हाट इट शोज अ परसिस्टेंस राइज इन टेम्परेचर विद डेप्थ टेम्परेचर। और ये जो राइज इन टेम्परेचर है इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। अब एक चीज़ है थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, पहले पढ़ा होगा क्लासेस में, बट अभी इसको वेल लॉग के टर्म्स में थोड़ा या फॉर्मेशन के टर्म्स में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल चीज़ है जो हम लोग जानते आए हैं, किसी भी मटेरियल की जो इफ़िशेंसी है हीट को ट्रांसफ़र करने में, अगर वो कितना एफिशिएंट है हीट को ट्रांसफ़र करने में, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर इजीली ट्रांसफ़र कर रहा है तो बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, अपने पास रख ले रहा है और ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, मतलब ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो फिर बोलेंगे हीट थर्मल कंडक्टिविटी लो है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात बस आप दिमाग में रखो। सो हमने क्या देखा अभी, हमने भी क्या बताया कि देर इज़ अ लीनियर इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ, बट दिस इज ट्रू फॉर होमोजीनियस फॉर्मेशन। बट क्या होता है ना, इन जनरल अगर हम डिटेल्स की बात करें तो जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है वो फॉर्मेशन की थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ओके। द जियोथर्मल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी मैंने क्या बताया, द इफिशेंसी विथ विच दैट फॉर्मेशन ट्रांसमिट हीट, उस फॉर्मेशन की क्या एफिशिएंसी है, वो हीट को कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, इजिली कर दे रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हम एक रॉक का एग्जांपल लेते हैं, शेल इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक। तो शेल के केस में क्या है, ये हीट को ईजिली ट्रांसफ़र होने नहीं देता, ओके, ये हीट को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं होने देता, इट कीप्स हीट इन एंड हैज़ अ लो थर्मल कंडक्टिविटी। अभी ऐसे समझ सकते हो कि ब्लैंकेट ऑफ शेल वुड कीप अस वार्म एट द नाइट, ओके,
तो इतनी बात दिमाग में रखना है। शील अपने पास हीट को रखता है, पास होने नहीं देता, इसलिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है। सॉल्ट बिल्कुल अपोजिट है इसके, सॉल्ट हीट को इजीली पास होने देता है। ओके, सॉल्ट इज़ वेरी इफिशेंट एंड लेट्स हीट इस्केप रैपिडली, देयर फोर इट हैज़ अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, देयर फोर सॉल्ट हैज़ अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बट शेल हैज़ अ लो थर्मल कंडक्टिविटी। इतनी बात हो गई। अब अगर हम रॉक की बात करें, कोई रॉक है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, सॉल्ट से यहाँ रॉक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, लाइक ओके समझ जाना, वो कंफ्यूज मत होना वो क्वेश्चंस वाले सॉल्ट में, तो रॉक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस रॉक की थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, बट थर्मल ग्रेडियंट क्या होगा, लो है। क्यों लो है? जैसे हमने बोला कि हम थर्मल ग्रेडियंट क्या देखते हैं, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद डेप्थ, दैट इज व्हाट वी सी ना। थर्मल ग्रेडियंट में वी सी इंक्रीज ऑन टेम्परेचर विद डेप्थ। कोई रॉक है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, मतलब वो हीट को इजीली इस्केप होने दे रहा है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, अपने पास रख नहीं रहा, तो जब फॉर्मेशन में हम देखेंगे तो जब हम डेप्थ में जाएंगे तो उसने हीट को तो अपने पास रखा नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी हाई है। इन दैट केस टेम्परेचर जिस तरह से राइज होना चाहिए डेप्थ के साथ वो नहीं होगा। इन दैट केस हम बोल रहे हैं जिस रॉक की थर्मल कंडक्टिविटी हाई है उसका थर्मल ग्रेडियंट लो होगा, क्योंकि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ है हमें वो तो दिखेगा नहीं उस तरीके से ना। थर्मल कंडक्टिविटी हाई तो टेम्परेचर ग्रेडियंट लो, इस बात को दिमाग में रखना। ये दूसरे के इन्वर्सली है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट लो, कैसे ये मैंने बता दिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये चीज़ भी मैंने सेम चीज़ यहीं लिखी हुई है, टेम्परेचर इन द सब सर्फेस इंक्रीजेज विद डेप्थ एंड द रेट एट विच इट डज इज कॉल्ड जियो थर्मल ग्रेडियंट। अभी जियो थर्मल ग्रेडियंट है ना, हर जगह कॉन्स्टेंट नहीं होता, जाहिर सी बात है नहीं होगा। कैसे, अभी इसको भी देखेंगे। तो ये भी बता दिया कि थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी लो होगी उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट हाई होगा, थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी हाई होगी उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट लो होगा, सॉल्ट एनाटाइट के केस में देख लिया। ओके, ये सारी चीज़ें बता दी। अब एक चीज़ मैंने, एक चीज़ और है जिसके बारे में मैंने भी बताया कि ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता हर जगह। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि जो हमारा सरफेस का टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे मेजर करेंगे? जो फॉर्मेशन का टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, जो फॉर्मेशन का टेम्परेचर होगा, जो सरफेस का टेम्परेचर होगा, उसको सेपरेट किया और डेप्थ से डिवाइड कर दिया, तो डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हर जगह सेम नहीं होगा, क्योंकि जो टी सरफेस है ना वो तो हर जगह अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। अभी मान लो परमाफ्रॉस्ट है, टेम्परेट जोन में है, या फिर हम लोग ट्रॉपिकल जोन में, हर जगह तो टेम्परेचर अलग होगा, तो थर्मल ग्रेडियंट भी हर जगह अलग अलग होगा। एक चीज़ यहाँ पे और लिखी है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एट द मड रॉक कॉन्टेक्ट इज बाई कन्वेंशन। ओके, एंड वेयर एज इन द फॉर्मेशन इट सेल्फ इज बाई कंडक्शन। ये क्या चीज़ है, इसको अभी आगे बताते हैं, बट अभी इतना दिमाग में रखो कि ट्रांसफर ऑफ हीट एट द मड रॉक कॉन्टेक्ट इज बाई कन्वेंशन, वेयर एज द फॉर्मेशन इट सेल्फ इज बाई कंडक्शन। फिर अभी इसको बताते हैं। अब इन जनरल जो हम लोगों ने, जैसा कि होमोजीनस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विद डेप्थ, लीनियरली इंक्रीज विद डेप्थ, ऐसा ऐसे एक एक तरह का एक अजम्पशन कह लो, बट ऐसा रियल में है नहीं, बिकॉज द रियल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द वेल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स अ सीरीज ऑफ ग्रेडियंट एंड दैट इज रिलेटेड टू द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ वेरियस स्ट्रेटा। ठीक है, द ग्रेडियंट वेरी इनवर्सली टू द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब एक चीज और है, अभी एक चीज मैंने बताया कि जैसे जैसे हर स्ट्रेटा की या हर फॉर्मेशन की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, बट
एक और चीज़ है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट को इफेक्ट करती है, और वो है हीट फ्लो। अब ये हीट फ्लो क्या चीज़ है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट एंटर्स द स्ट्रेटा फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर एंड फ्लोज आउट अगेन। ओके, अर्थ इंटीरियर से स्ट्रेटा में जो हीट एंटर कर रहा है और देन इट फ्लोज, तो दैट इज वॉट हीट फ्लो थ्रू अ स्ट्रेटा, एंड दैट ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन दी टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, एक बात ये भी जान लो, सो वेरिएशन इन थर्मल ग्रेडियंट आर नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज, दे आर ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन हीट फ्लो। ओके, एंड द अमाउंट ऑफ हीट दैट एंटर्स द स्ट्रेटा फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर एंड फ्लोज आउट अगेन, दैट विल वॉट डिसाइड वॉट इज द डिफरेंस इन द हीट फ्लो। ओके, तो ये कह सकते हैं ना कि जो एक्चुअल टेम्परेचर है वेल में ना, वो लिथोलॉजी पे सिर्फ डिपेंड नहीं करेगा। कोई लिथोलॉजी होगी उसकी, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ होगी, तो सिर्फ उस पर ही डिपेंड नहीं करेगा। वो एक रीज़न तो है, वहाँ उस लिथोलॉजी में हीट फ्लो क्या हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बता दिया जियोथर्मल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। अब जैसा कि बताया कि देखो परमाफ्रॉस्ट है, उसका कुछ है सरफेस टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड जोन का +5 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेट जोन का कुछ अलग है, ट्रॉपिकल जोन का अलग है, तो उस हिसाब से हमारा जियो थर्मल ग्रेडियंट चेंज होगा। थर्मल कंडक्टिविटी बता दिया। अब डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स हैं, कोल लिग्नाइट है, शेल है, इन सब की थर्मल कंडक्टिविटी तुम्हारी लो है, हीट को अपने पास रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, पास होने नहीं देते। सॉल्ट है, सैंड है, उनकी हीट कंडक्टिविटी, उनकी ये थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, हीट को इजीली फ्लो होने देते हैं। ओके, ये एक सिंपल चीज़ होगी, और इन जनरल ऑयल फील्ड से कभी कभार ये चीज़ भी पूछ लेती है, तो इसको दिमाग में रखना। इन जनरल जो ऑयल फील्ड्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट, एक एवरेज जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। ओके, एन की भी बता दिया कि द एक्चुअल टेम्परेचर इन वेल डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द लिथोलॉजी बट ऑल्सो ऑन द हीट फ्लो वैल्यू फॉर दैट स्ट्रेटा। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अब हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कर कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो अगला चीज़ है बोरहोल टेम्परेचर मेज़रमेंट। सो चलो अब बात करते हैं बोरहोल टेम्परेचर मेज़रमेंट के बारे में। और जो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं बता दूँ कि मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं लाइक ओसेरा, राइडर या पॉल ग्रोवर, उन सबको मैंने कवर किया है इस वीडियो में। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, जो मैंने लिखा है उसका चाहो तो नोट्स बना लो, बट ये नोट्स उन सारे इम्पोर्टेंट बुक्स को कवर करता है। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस दैट इज़ ऑल। एंड आई प्रॉमिस मैं इस कोर्स के माध्यम से आपको मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, एंड दैट विल बी टोटली फ्री। सो अभी आगे बढ़ते हैं, बोरहोल टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करते हैं। देखो क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि बस डायरेक्टली हम टेम्परेचर मेज़र करने चलेंगे बोरहोल का। तो जितना भी हमारे लॉगिंग डिवाइसेस होते हैं ना अलग से, फॉर एग्जांपल एक टूल है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जितना भी ये रेजिस्टिविटी है या सोनिक है, तो ये जो लॉगिंग टूल है उन्हीं के साथ में टेम्परेचर लॉग को भी मेज़र करते हैं सेपरेटली, सिर्फ टेम्परेचर नहीं मेज़र किया जाता। तो हमारा जो टूल डिज़ाइन होता है ना, उसमें कई सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, उसमें से एक टेम्परेचर भी होता है। तो बेसिकली टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, इन टेम्परेचर सेंसर आर अटैच टू एवरी टूल कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है ना कि टेम्परेचर सेंसर आर अटैच टू एवरी टूल कॉम्बिनेशन। अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर सेंसर जो तुम कैसे मेजर करते हो, तो टेम्परेचर सेंसर आर अटैच टू एवरी टूल कॉम्बिनेशन दैट इज रन इन अ वेल फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। और ये मैक्सिमम टेम्परेचर हमें कहाँ मिलता है? इट इज़ अज्यूम दैट वी विल गेट द मैक्सिमम टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ द वेल। ऑब्वियस है, टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीजेज विद डेप्थ, तो एट द बॉटम ऑफ द
वेल वी गेट द मैक्सिमम टेम्परेचर। कुछ मॉडर्न टूल्स ऐसे भी हैं जो कंटिन्यूसली टेम्परेचर को मेज़र करते हैं एज द टूल ट्रैवल डाउनवर्ड्स। ओके, देर आर सम मॉडर्न टूल दैट ट्रैवल द टेम्परेचर, दैट मेज़र द टेम्परेचर एज द टूल ट्रैवल्स डाउन द वेल। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी मेज़र द टेम्परेचर एंड द रीडिंग्स फ्रॉम द नंबर ऑफ मैक्सिमम थर्मोमीटर अटैच टू द डिफरेंट टूल कॉम्बिनेशन that are run at different times are analyzed and that give the corrected temperature at the bottom of the borehole। क्या बोला मैंने, जितने भी हम रीडिंग पाते हैं कुछ हमारे जो थर्मोमीटर्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट टूल कॉम्बिनेशन से और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रन किए गए हैं उन सब का एनालाइज करते हैं और एक करेक्ट टेम्परेचर पाने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट इज वॉट दैट इज हाउ वी मेजर दी टेम्परेचर इन दी बोरहोल। अब तो ये हो गई बात बोरहोल टेम्परेचर की, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है सेम चीज। सो एज आई हैव सेड द टेम्परेचर मेजरमेंट ऑलवेज मेड एट द बॉटम ऑफ द वेल, दैट इज वेयर वी गेट द हाईएस्ट टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है क्योंकि कि हम कंटिन्यूसली टेम्परेचर को मेजर करते हैं जैसे कि मॉडर्न टूल्स में करते हैं, जैसे AMS ऑफ सबमर्जर एक टूल है that read the temperature continuously up the well using a thermistor and also read the temperature difference between two probes। So ये modern tool है जो continuously temperature को measure भी कर रहा है साथ में temperature difference भी measure कर रहा है। And absolute accuracy of the measurement is low, plus minus 2.5 degree Celsius, but resolution is good। Okay, एक ये चीज़ होगी। ये भी बता दिया है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में जितने देखा होगा उसको पता होगा, बताया मैंने। इट शुड बी नोटेड दैट टेम्परेचर लॉक्स आर द ओनली लॉक्स टू बी मेजर्ड व्हाइल द सेंसर इज बीइंग लोअर्ड इनटू द वेल। और ऐसा करते क्यों है, जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर लॉक्स आर द ओनली लॉक्स दैट आर मेजर्ड व्हाइल द सेंसर इज बीइंग लोअर्ड इनटू द वेल, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। बेसिकली क्या होता है ना कि हमारा जो लॉगिंग टूल होता है ना वो भी कई बार हमारे टेम्परेचर मेजरमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड टू रिड्यूस एनी टेम्परेचर परटर्बेशंस कॉज्ड बाय द लॉगिंग टूल इटसेल्फ। ओके, दैट इज व्हाई वी डू दिस थिंग। अब हम लोग बात करते हैं बोरहोल टेम्परेचर करेक्शंस के बारे में। देखो, जो एक्चुअली टेम्परेचर हम मेज़र कर रहे हैं ना, जैसे हम नाम भी ले रहे हैं बोरहोल टेम्परेचर, बट हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन टेम्परेचर है। तो द एक्चुअल टेम्परेचर इज मेज़र्ड इज दैट ऑफ द ड्रिलिंग फोर्ट, नॉट द फॉर्मेशन। ओके, द एक्चुअल टेम्परेचर जो मेज़र हो रहा है दैट इज ऑफ द ड्रिलिंग फोर्ट, नॉट द फॉर्मेशन। अब होता क्या है इसमें, देखो होता क्या है, जो हमारा ड्रिलिंग मड है ना, अभी हमने टूल नहीं डाला है तो हमारा ड्रिलिंग मड है ना वो सर्कुलेट करता है ड्यूरिंग ड्रिलिंग। ओके, द ड्रिलिंग मड इज सर्कुलेटेड ड्यूरिंग ड्रिलिंग एंड दैट इज प्रायर टू इंसर्टिंग द वायर लाइन टूल। और ये ड्रिलिंग मड इन जनरली कोल्ड होता है फॉर्मेशन के कंपेयर में। अब होता क्या है, पोरस एंड परमेबल फॉर्मेशन मिला इसको, ये ड्रिलिंग फ्लूड इन्वेट करेगा फॉर्मेशन में। ओके, अभी क्या होगा, कोई पोरस एंड परमेबल फॉर्मेशन हमें मिला, ठीक है, तो ये जो कोल्ड ड्रिलिंग फ्लूड है दैट इन्वेट्स द फॉर्मेशन एंड कूल्स इट डाउन वेरी इफिशेंटली। ओके, लेट मी रिपीट, हमने ड्रिलिंग किया, ड्रिलिंग के दौरान अभी हमने टूल एंटर नहीं किया है, ड्रिलिंग मड इज सर्कुलेटिंग, दैट ड्रिलिंग मड बिहाइंड अ फोरस एंड परमेबल फॉर्मेशन इन्वेट्स द फॉर्मेशन, सो दिस कोल्ड ड्रिलिंग फ्लूड इन्वेट्स द फॉर्मेशन एंड कूल्स इट डाउन वेरी इफिशेंटली एंड दैट इज डन वाया हीट कन्वेंशन। अभी शुरू में बताया था, अब इसको समझ में आया, दैट इज एफिशिएंटली डन वाया हीट कन्वेंशन। सो अभी क्या हुआ, ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड द टेम्परेचर ऑफ द बोल होल रीचेज एन इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने, हमारा ड्रिलिंग फ्लूड सर्कुलेट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एक पा लेगा। इक्विलिब्रियम पाने का मतलब क्या है कि जो कूलिंग इफेक्ट ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड है ना और जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन है
उनके थ्रू में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा. बेसिकली ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड द टेम्परेचर ऑफ द बोर होल रीचेज एन इक्विलिब्रियम दैट इज डिफाइंड बाई द कूलिंग इफेक्ट ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन. मैंने क्या बोला कि देखो जैसे ये कोल्ड ड्रिलिंग फ्लूइड था, ठीक है, अब ये जो कोल्ड ड्रिलिंग फ्लूइड है ये फॉर्मेशन इन्वेट किया और ये फॉर्मेशन जो भी हमारा फॉर्मेशन फ्लूइड है या जो भी फॉर्मेशन है उसको कूल करने की कोशिश करेगा, उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा. और ये जो प्रोसेस होगा ना इसको बोलते हैं कन्वेंशन, समझ रहे हो. अब ये जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशमेंट की मैंने बात की वो होता क्या है. सो एज आई सेड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड द टेम्परेचर ऑफ द बोरहोल रीचेज एन इक्विलिब्रियम एंड हाउ इट इज हैपनिंग. जैसे ही सर्कुलेशन हुआ, अब सर्कुलेशन होने के बाद ये जैसे जैसे सर्कुलेशन खत्म होते जाएगा, व्हेन द ड्रिलिंग मड स्टॉप सर्कुलेटिंग इन दैट केस द बोरहोल ग्रेजुअली रीगेन्स द ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर. समझ में आ रही है. पहले सर्कुलेट हुआ बोरहोल का, जो बोरहोल में जो हमारा जो मड है वो कूल है, वो फॉर्मेशन इन्वेट कर रहा है, फॉर्मेशन को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है. अब फॉर्मेशन की टेम्परेचर ज़्यादा है, वो ड्रिलिंग फ्लूइड को हीट करने की कोशिश कर रहा है. इक्विलिब्रियम इस तरह से एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. ओके, आर यू गेटिंग इट. लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन. व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग मड स्टॉप्स द बोर होल ग्रेजुअली रिगेन्स द ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर. वाई? बिकॉज द लार्ज मास ऑफ फॉर्मेशन अराउंड द बोर होल हीट्स द ड्रिलिंग फ्लूइड टू इट्स एम्बियंट टेम्परेचर. समझ में है. जो लार्ज मास ऑफ फॉर्मेशन है वो ड्रिलिंग फ्लूइड को उसकी टेम्परेचर, फॉर्मेशन अपनी टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करता है. ड्रिलिंग फ्लूइड उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, फॉर्मेशन उसको गर्म करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसा समझ सकते हो. सो द बोर होल ग्रेजुअली रिगेन्स द ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर बिकॉज द लार्ज मास ऑफ द फॉर्मेशन अराउंड द बोर होल हीट्स द ड्रिलिंग फ्लूइड अप टू इट्स एम्बियंट टेम्परेचर. दिस प्रोसेस इज स्लो because it is via heat conduction. The mass of the formation tries to basically heats the drilling fluid to its ambient temperature and it is done via heat conduction. मैंने बताया था कि cold mud try to cools down the formation and which is done by a heat convention. Now here the formation tries to heats up the मड फ्लूड एंड इट इज डन वाया हीट कंडक्शन. ओके, ये चीजें ध्यान में रखना. सो एज आई सेड द मास ऑफ फॉर्मेशन अराउंड द बोर होल हीट्स द ड्रिलिंग फ्लूड टू इट्स एम्बियंट टेम्परेचर एंड दिस प्रोसेस इज स्लो. वाई? बिकॉज दिस इज वाया हीट कंडक्शन विच इज लेस इफिशियंट देन हीट कन्वेंशन. ओके, अब ये जो इक्विलिब्रियम अटेंड होता है ना वो तुरंत अटेंड नहीं होता, इट टेक्स मंथ्स. ओके, equilibrium is attained after several months after the stopping of circulation of drilling fluid. Okay, so I have tried to explain this mechanism behind how we get the information about true actual formation temperature. हमने तो जो मेजर किया वो तो बोरहोल टेम्परेचर था, बट हमें चाहिए क्या? वी वॉन्ट ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर एंड दैट इज हाउ वी अचीव. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टू यू. स्टिल देर इज कन्फ्यूजन. If there is, then I will explain again. You can comment. So, equilibrium may be only attained after several months after the stopping of the circulation of drilling fluid. So, the temperature measurement that made during drilling, it consistently underestimate the formation temperature. समझ में आई बात? हम जो temperature measure कर रहे हैं during drilling, अभी तो mud circulate हो रहा है तो हमें true formation temperature तो मिलेगी नहीं, ठीक है, तो वो बेसिकली एक अंडरएस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी फॉर्मेशन टेम्परेचर की. ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा व्हेन ड्रिलिंग मड इज बीइंग सर्कुलेटेड. ओके, सो सेम थिंग इज रिटन इन द नोट्स. द टेम्परेचर मेजर्ड इन द बोरहोल इज नॉट द फॉर्मेशन टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द मड इन द बोरहोल एंड द ड्रिलिंग मड इज कोल्ड कंपेयर टू द फॉर्मेशन. ओके, पॉइंट बाई पॉइंट मैंने इस चीज़ को नोट कर दी है तुम लोग के लिए. द ड्रिलिंग मड इज कोल्ड कंपेयर टू द फॉर्मेशन. द कोल्ड ड्रिलिंग मड इन्वेड्स द फॉर्मेशन कूल्स इट वाया कन्वेंशन. ओके, अभी क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग मड होगा, सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड, द टेम्परेचर ऑफ द बोरहोल रीचेज एन इक्विलिब्रियम.
Okay, and how this equilibrium is defined? Because of the cooling effect of the drilling mud and heating effect of the formation. अब circulation stop हुआ, the borehole gradually regains the true formation temperature and that is via heat conduction. कैसे हुआ? ये मैंने समझा दिया है. So the measurement of temperature made by the wire riding logs at the increasing times after the food circulation has stopped are closer and closer to real formation temperature. कहने का मतलब ये है सिंपल बात कि जैसे इक्विलिब्रियम अचीव हुई उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमें ट्रू टेम्परेचर मेजरमेंट मिलता है. नॉट वी डोंट गेट द राइट मेजरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन वाया ड्रिलिंग बिकॉज द मड इज सर्कुलेटिंग एंड द मड इज सर्कुलेटिंग दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम इज नॉट येट इस्टेब्लिश्ड. इफ वी मेजर द टेम्परेचर एट दैट टाइम वी विल गेट द टेम्परेचर ऑफ द बोरहोल मड नॉट द ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर. I think these things are clear to you now. If it is not yet, please comment. So जैसे जैसे time बढ़ेगा several months लग जाते हैं उस equilibrium को achieve होने में. तब हम अगर जब measurement लेते हैं तो वो close and perfectly we give the real perfectly we gets the real formation temperature. So तुम यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया कि equilibrium अचीव होने में टाइम लगता है. जैसे कि ड्रिलिंग फ्लूइड का सर्कुलेशन स्टॉप हुआ तो इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश होने में मंथ्स लग जाते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं. तब कहीं ना कहीं जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट होगा वो ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर के क्लोजर एंड क्लोजर होगा. सिंपल सी बात है. तो इस फिगर में देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम मेज़र कर रहे हैं, जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो डोनेट कर रहा है कि 8.5 आवर के बाद मेजरमेंट लिया गया. फिर सेकंड डोनेट कर रहा है कि 37 घंटे बाद मेजरमेंट लिया गया. थर्ड डोनेट कर रहा है 2 मंथ्स बाद. और ये जो फोर्थ डोनेट कर रहा है दैट और ये जो फोर्थ पॉइंट है वो डोनेट कर रहा है कि 4 मंथ्स के बाद टेम्परेचर मेजरमेंट लिया गया है. तो ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट लिया गया 4 मंथ्स के बाद इट गिव्स द ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर. ओके, बात समझ में आई? ओके, द इक्विलिब्रियम इज ओनली रीएस्टैब्लिश्ड आफ्टर द 4 मंथ्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड हैज स्टॉप्ड. ओके, दिस थिंग इज नाउ क्लियर टू यू आई होप. ओके, अभी एक चीज है ऑर्नर प्लॉट. ये क्या चीज है और कहाँ यूज होता है इसका, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. अब ये जो हॉर्नर प्लॉट है ना, इसका क्या यूज है? अभी डायरेक्टली कहीं पूछ भी सकता है कि इन विच लॉग वी यूज द हॉर्नर प्लॉट. तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, पता ही होना चाहिए. टेम्परेचर लॉग में यूज करते हैं. क्यों करते हैं? जैसा कि बताया, जो टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं वो करेक्ट रियल फॉर्मेशन टेम्परेचर नहीं है. तो दिस हॉर्नर प्लॉट इज बेसिकली यूज टू करेक्ट द लॉग्ड बोरहोल टेम्परेचर टू रियल फॉर्मेशन टेम्परेचर. ओके, दिस इज वॉट द यूज ऑफ ऑनर प्लॉट. अब ये है क्या चीज, इसके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, तो अब ऑनर प्लॉट डिस्कस करने जा रहे हैं. तो एक बार रिवाइज करा दूं, क्या बोलते हो? सो क्या क्या बताया मैंने अभी? सो क्या क्या हमने डिस्कस किया? हम टेम्परेचर जो मेजर कर रहे हैं बोरहोल में, दैट इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मेशन टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर ऑफ द मड इन द बोरहोल. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट 2, बोरहोल मड इज कूलर देन द फॉर्मेशन बींग ड्रिल्ड. बोरहोल मड जो है वो कूलर है फॉर्मेशन टेम्परेचर से. ओके, पॉइंट नंबर 3, इन्विजन ऑफ द मड फिल्ट्रेट इन द फॉर्मेशन विल कूल इट डाउन इमिडिएटली एंड दैट विल बी डन बाई कन्वेंशन. क्लियर यहाँ तक? पॉइंट नंबर 4, अभी क्या है, देर इज अ लार्ज मास ऑफ फॉर्मेशन अराउंड द बोरहोल एंड द ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर विल बी दैट विल बी इवेंचुअली दैट विल बी एट द इक्विलिब्रियम. ओके, अब क्या है? पॉइंट नंबर 5, बेसिकली द मड विल बी हीटेड अप टू द फॉर्मेशन टेम्परेचर. ठीक, क्लियर है यहाँ तक? And this process begin only when the mud circulation stops.
ओके, तभी हमें ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर मिल पाएगी इवेंचुअली इक्विलिब्रियम अचीव होने पे, एंड दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। ओके, दिस प्रोसेस इज अचीव्ड बाय कंडक्शन एंड इट्स वेरी स्लो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी और इतना चीज़ें मैंने तुम लोग को रिवाइज करा दिया, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेवरल टेम्परेचर लॉगिंग रन्स मेड एट इंक्रीजिंग टाइम इंटरवल आफ्टर ड्रिलिंग शोज दैट इक्विलिब्रियम मे बी एस्टैब्लिश ओनली आफ्टर मंथ्स, ठीक है, क्लियर। तो जैसा कि मैंने बताया, देखो क्या ये एक प्लॉटिंग है। अब जो हमारा एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, वो रेशियो है टी अपॉन कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। किसी किसी बुक में कैपिटल टी की जगह डेल्टा टी भी लिखा हुआ है, तो उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बात देखिए, तो क्या है कि वेरियस मेथड्स हैव बीन अडॉप्टेड इन द पास्ट टू करेक्ट द लॉग्ड बोरल टेम्परेचर टू रियल फॉर्मेशन टेम्परेचर एंड द मोस्ट कॉमन मेथड इज ऑनर प्लॉट। अब इस प्लॉट में करना क्या है हमें, सबसे पहले मान लो एक हमें सर्कुलेशन का एक टाइमिंग होगा, कब वो स्टार्ट हुआ, सर्कुलेशन के स्टॉप होने का टाइमिंग होगा, ठीक है। जो तो हमारा टी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टाइम सिंस द सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड वाज स्टॉप्ड। बेसिकली इन अदर वर्ड्स वो कह सकते हैं कैपिटल टी रिप्रेजेंट ड्रिलिंग फ्लूड, हमना हमारा सर्कुलेशन स्टॉप हुआ, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने में जो टाइम लगा ना, उसको बोलते हैं कैपिटल टी से उसको डोनेट करते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी क्या डोनेट करता है, इट इज द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट टी रिप्रेजेंट्स द टाइम फॉर द फॉर्मेशन दैट इज एक्सपोज टू कूलिंग मड। ओके, एक अदर वर्ड्स में भी कह सकते हो, बट कंफ्यूज मत होना, टी रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सो एक रेशियो ऑनर प्लॉट में एक रेशियो हम लोग बनाते हैं जो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। ओके, एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द बोरहोल टेम्परेचर। अब ये क्या है ना, डिफरेंट लॉग्स हैं, डिफरेंट लॉग्स, जैसे तुम देखोगे सोनिक लॉग है, हमने डिफरेंट डिफरेंट टूल का कॉम्बिनेशन बनाया और सब अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, सब अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जो सर्कुलेशन का हमारा टाइम है ना स्मॉल टी, तुम देख रहे हो कि द लेंथ ऑफ द टाइम सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड, वो जो सर्कुलेशन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड का जो टाइम है वो देखो 6 आवर्स है, इतने तक ड्रिलिंग फ्लूड सर्कुलेट किया वो फिक्स है। बट जो हम आफ्टर द मेजर कर रहे हैं ना, तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कैपिटल टी, कैपिटल टी क्या टाइम आफ्टर सर्कुलेशन, तो वो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे है, देख सकते हो 0, 7, 11.5, 19.5 डिफरेंट डिफरेंट लॉगिंग कॉम्बिनेशन के साथ। अब इन्हीं को हमने एक रेशियो तैयार किया टी पे, रेशियो तैयार किया टी अपॉन स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे डिफरेंट फॉर्मेशन टेम्परेचर्स जो हमने पाया है डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट लॉगिंग कॉम्बिनेशन के थ्रू 100, 105, 108, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सी इन दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टी अपॉन स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, लेट मी जूम दिस फॉर यू। ओके, नाउ यू कैन सी दिस, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टी अपॉन स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी एंड देयर इज बोरहोल टेम्परेचर एंड देर इज अ बोरहोल टेम्परेचर ऑन द वाई एक्सिस जो हमने मेजर किया 100, 105 डिफरेंट डिफरेंट लॉगिंग कॉम्बिनेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ठीक है, वो जो आया है देखो उसको हम लोग प्लॉट किया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हमें करेक्टेड फॉर्मेशन टेम्परेचर दे देगा, इस केस में वो हमें मिलता है 114 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर, क्या करते हैं ऑनर प्लॉट में, समझ में आ गई बात। सो द ट्रू फॉर्मेशन टेम्परेचर इज ऑन द लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स वेर इट क्रॉसेस द एब्सिसा एट 1। ओके, यू कैन सी दिस इन फिगर,
एंड दिस फॉर्म ऑफ करेक्शन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द मेजर टेम्परेचर एंड अपीयर्स टू मेक देम मोर मीनिंगफुल। ठीक है, ये नियरली एक्यूरेट टेम्परेचर फॉर्मेशन टेम्परेचर हमें इससे मिल जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, हॉर्नर प्लॉट कैसे करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द नोट्स। ठीक है, अब इसका नोट्स भी देख लेते हैं क्या क्या मैंने जैसे बताया। एक बार एक तरह से एक रिविजन हो जाएगा तुम्हारा। हॉर्नर प्लॉट मेथड रिलाइज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन द बोरहोल टेम्परेचर जो हमने मेजर किया है एंड द रेशियो एंड द लॉग ऑफ बेसिकली डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी प्लस टी। यहाँ पर डेल्टा टी बेसिकली जो अभी कैपिटल टी बताया, कहीं पे कैपिटल टी है कहीं पे डेल्टा टी है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। डेल्टा टी रिप्रेजेंट द टाइम इन आवर्स सिंस द सर्कुलेशन स्टॉप, टाइम टी स्मॉल टी रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ सर्कुलेशन ओके बिफोर लॉगिंग। इन अदर वर्ड्स कह सकते हो डेल्टा टी रिप्रेजेंट द टाइम अवेलेबल फॉर द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टू बी रीच्ड एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट द टाइम फॉर द फॉर्मेशन टू फॉर्मेशन एक्सपोज टू कूलिंग मार्ट। ओके, क्लियर है यार। ऑन अ प्लॉट ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट मेड व्हेन द लॉग्स आर रन इन ओनली वे टू गेट द इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक। सो यू गेट द आइडिया ऑफ ऑनर प्लॉट। मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की। स्टिल इफ देर इज समथिंग नॉट क्लियर टू यू, यू कैन कॉमेंट। सो अब एक कंटिन्यूस मेजरमेंट भी की जाती है अभी, एंड दे आर मेड यूजली यूजिंग अ थर्मोमीटर हुज एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए टेम्परेचर सेंसिटिव मैटर रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वी कैन लोकेट द लॉस्ट सर्कुलेशन जोन्स। ठीक है, एक एप्लीकेशन हो गया। फ्लूइड फ्लो इनटू द वेल एंड इन पर्टिकुलर गैस विच इज डिफ्लेक्टेड बाय द कूलिंग इफेक्ट ब्रॉट अबाउट बाय गैस एक्सपेंशन। सेकेंड एप्लीकेशन है जहाँ पे बात करते हैं कि फ्लूइड फ्लो इनटू द वेल, इन पर्टिकुलरली गैस की बात करें तो एक कूलिंग इफेक्ट है विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय गैस एक्सपेंशन। तो क्या चीज़ है ये, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि क्या होता है, इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीजेज विद टाइम। सो व्हाट हैपेंस, द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग जियोथर्मल ग्रेडियंट बेसिकली मेजर डाउन अ ड्रिलिंग मड कॉलम कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय द इनफ्लो ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड्स। समटाइम्स क्या होता है कि फॉर्मेशन फ्लूइड्स का मतलब बेसिकली वो बोरहोल में आ जाते हैं, बेसिकली दे फ्लो इनटू द बोरहोल। सो इन दैट केस वी सी अ टेम्परेचर एनोमली। ओके, जिसकी ये बात कर रहा है कूलिंग इफेक्ट वाली चीज, इन दैट केस वी सी अ टेम्परेचर एनोमली। एंड दैट टेम्परेचर एनोमली इज कॉज्ड, इट कैन बी कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर कंडीशंस, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो मान लो जैसे कि हम ओवर प्रेशर जोन में गए, मैंने ओवर प्रेशर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसको देख लो एक बार। तो ओवर प्रेशर जोन में हम इनकाउंटर्ड हुए उन, सो इन दैट केस क्या होगा, लेट अस फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ड्रिलिंग इनटू हाई प्रेशर सेल्स, ठीक है, विच इज़ वेरी अंडर कॉम्पैक्शन, इन दैट केस देर इज़ अ शार्प इंक्रीज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट। There is sharp increase in temperature gradient downwards. And why there is sharp increase? Because of the hot formation water in the overpressured shell. ठीक है, जो overpressure zone में उसमें जो formation water होगा basically वो बहुत ही hot होगा। अब वो when this formation water enters the borehole तो हमें anomalous temperature rise in mud दिखता है। ठीक है, तो ये जो hot formation fluid है जब ये borehole में आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर दिखता है। ठीक है, एक ये कंडीशन है। ठीक है, सो यहाँ पे जो टेम्परेचर एक सिंपल इंक्रीज होता है वहाँ पे अचानक से हमें बहुत राइज दिखता है, तो एक एनोमली ये बनती है, एक और एनोमली बनती है। अब मान लो फॉर्मेशन, अभी तो हॉट फॉर्मेशन वाटर ने एंटर किया, अगर गैस
बेसिकली हाइड्रोकार्बन एंटर्स इनटू द बोरहोल, तब क्या होगा, गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट व्हेन एवर इट गोज इनटू द बोरहोल इट कूल्स डाउन एंड इट एक्सपेंड्स। यहाँ भी यही चीज़ लिखी हुई है कि हमें कूलिंग इफेक्ट मिलती है बिकॉज ऑफ द गैस एक्सपेंशन। तो होता क्या है, द गैसेस हाइड्रोकार्बन एंटर द वेल एंड द गैस एक्सपेंड्स ऑन एंटरिंग द बोरहोल, सो देर इज अ ड्रॉप इन देर इज अ रैपिडली ड्रॉप इन द टेम्परेचर एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली हमें एक कूल एनोमली मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसलिए बहुत ध्यान देना। एक चीज़ मैंने बताया, ओवर प्रेशर जोन में जहाँ पे हॉट फॉर्मेशन फ्रूट्स बोरहोल में एंटर करते हैं तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इन दैट केस हमें एकदम शार्प इंक्रीज मिलेगा टेम्परेचर में। अगर हम प्रोफाइल देखेंगे तो भी मैं दिखाऊंगा एक फिगर। उसके बाद एक फिनोमेना ये है जब गैस फॉर्मेशन, गैस जो फॉर्मेशन में है वो बोरहोल में एंटर कर जाता है, इन दैट केस गैस, बेसिकली गैस की प्रॉपर्टी होती है गैस एंटर्स इनटू द बोरहोल इट कूल्स एंड इट एक्सपेंड्स, सो इन दैट केस देर इज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर। सो वी सी जो अचानक हमें एक ट्रेंड मिलता था कि टेम्परेचर इंक्रीज होनी चाहिए डेप्थ के साथ, अचानक से टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड कूलिंग इफेक्ट एंड द फिनोमेना इज नोन एज कूल एनोमली। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब फिगर देखते हैं। सो इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है, सी पहले क्या होता रहा, जनरली टेम्परेचर इंक्रीजेज विद डेप्थ, फिर अचानक से टेम्परेचर एकदम डिक्रीज होता है एंड व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ गैस इनटू द बोरहोल। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन सी दिस, बोरहोल टेम्परेचर एनोमली इज कॉज्ड बाय इनफ्लक्स ऑफ गैस, द गैस एक्सपेंड्स एंड कूल्स ऑन एंटरिंग द मड फिल्ड बोरहोल। ओके, इंपॉर्टेंट फिनोमेना, कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन, सो कीप दिस इन माइंड। एंड और भी एप्लीकेशंस हैं, केस होल में एक एप्लीकेशन है और प्रोडक्शन लॉगिंग में भी बहुत एप्लीकेशन है टेम्परेचर लॉग का। मैंने जिसने भी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा मैंने ये बताया कि वी इफ यू वांट टू नो द सीमेंट हाइड बिहाइंड द केसिंग सो दैट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम टेम्परेचर लॉग। सो द डिटेक्शन ऑफ सीमेंट हाइड बिहाइंड द केसिंग एंड फ्लूड सर्कुलेशन बिहाइंड द पाइप, सो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाई टेम्परेचर लॉग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। डिटेक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग जोन प्रोडक्शन लॉग की एप्लीकेशन है। डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्थ ऑफ बबल पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ जोन्स ऑफ फ्लूड इंजेक्शन एंट्री, ये सारे तुम्हारे प्रोडक्शन लॉग के एप्लीकेशन है। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ और भी यूजेज हैं, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम जो भी सेंसर यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर लॉग नहीं जो भी सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं लॉगिंग में, सारे बहुत सारे सेंसर्स हैं जैसे न्यूट्रॉन डिवाइसेस हैं तो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इन दैट केस जो करेक्शन हमें चाहिए वो टेम्परेचर लॉग हमें हेल्पफुल हो सकता है। ओके, द सेंसर ऑफ अदर लॉगिंग टूल्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर मेजरमेंट कैन बी यूज टू करेक्ट फॉर दिस। ओके, और टू रिकॉग्नाइज टेम्परेचर दैट आर आउटसाइड द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ द टूल। ओके, सो करेक्शन ऑफ अदर टूल्स, मतलब बेसिकली जो अदर टूल्स हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन डिवाइसेस, रेडिएशन जो भी लॉगिंग है वो जो डिवाइसेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे डिवाइसेस बहुत बार, ये जो टूल्स हैं बहुत बार टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो उनके करेक्शन के लिए हमें टेम्परेचर लॉग हेल्पफुल होता है। सेकंड एग्जांपल, अभी रेजिस्टिविटी लॉग में भी बहुत अच्छा यूज़फुल है, ये भी बताया हुआ है मैंने। क्या होता है, सम पैरामीटर मेजर्ड बाई अदर टूल्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज रेजिस्टिविटी लॉग। द टेम्परेचर डेटा इज़ यूज टू करेक्ट ऑल रेजिस्टिविटी डेटा टू अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जो भी हम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमने रेजिस्टिविटी डेटा लिया है उसको हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ला सकते हैं। ओके, एंड दे आर नॉट डेप्थ डिपेंडेंट एंड कैन बी कंपेयर्ड।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। हमने अभी एक रेजिस्टिविटी लॉग में एक फॉर्मूला भी हम देखेंगे, जैसे किसी किस टेम्परेचर पे अगर हमें, जैसे जिस टेम्परेचर पे हमने मेज़र किया और हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर जैसे 24 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, तो वो हम रेजिस्टिविटी पा सकते हैं। तो इन दैट केस अगेन करेक्शन ऑफ मेजरमेंट, उस रेजिस्टिविटी डेटा को करेक्ट करने के लिए टेम्परेचर लॉग का यूज़ हो सकता है। हाइड्रोकार्बन मैच्यूरेशन शुरू में बताया मैंने, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। देखो होता क्या है, इसमें भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, कह सकते हो कि बेस्ट यूज़ ऑफ टेम्परेचर लॉगिंग है ये, कि वी कैन अंडरस्टैंड द मेच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, अभी जब हम मेच्योरिटी की बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की मेच्योरिटी की बात करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, इट इज़ डिग्री ऑफ कन्वर्जन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन्स। ओके, एंड द हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इज फाउंड टू बी रेगुलेटेड बाई टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, कितने टाइम तक वो ऑर्गेनिक मैटर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में एक्सपोज हुआ है, उसी हिसाब से वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियस है, ये चीज़ें पता होंगी। तो टेम्परेचर बींग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, टाइम इज एसेंशियल, टाइम इज एसेंशियल, बट टेम्परेचर बींग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन टू हाइड्रोकार्बन्स। सो अगर हम इसमें मेच्योरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन हम कैसे जानते हैं, हमने प्रेजेंट जो भी मेजर किया है अपना, हमने जो भी बोरोल टेम्परेचर मेजर किया है, उसको हम प्लॉटिंग के थ्रू ये मेजर करते हैं, ये कोशिश करते हैं पाने की कि जियोलॉजिकल टाइम में क्या क्या कंडीशंस रही होंगी, उस हिसाब से हम हाइड्रोकार्बन मेच्योरिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वी ट्राई टू गेन इंफॉर्मेशन ऑन द टाइम अ सोर्स रॉक स्पेंड्स अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। ओके, दैट इज वाई वी ट्राई टू मेजर। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे बताई गई है, द मेच्योरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिक रिमेन्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू एज वेल एज टाइम एंड प्रेशर। ओके, कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में, क्लियर है। कोरिलेशन में भी टेम्परेचर लॉग का यूज़ है। कोरिलेशन से क्या समझ सकते हो, बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे एक वेल की कंडीशन है, ठीक है, उसमें डिफरेंट थर्मल ग्रेडियंट आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कई वेल्स हैं, एक वेल में हमने मेज़र किया, फिर उसके आसपास दूसरा वेल है, फिर तीसरा वेल है। सो अब हमने कंटिन्यूस टेम्परेचर लॉग रिकॉर्ड लिया, अब ये हमें डिफरेंट डिफरेंट थर्मल ग्रेडियंट मिलेगा, और वो क्यों मिलेगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कोरिलेटेड फ्रॉम वन वेल टू द अदर वेल। ओके, दैट इज वॉट वी डू इन कोरिलेशन। ओके, दिस डिफरेंसेस कैन बी यूज फॉर कोरिलेशन। ओके, फ्लूड मूवमेंट के बारे में भी जान सकते हैं, क्या चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, फिर से बता देते हैं। सो कंटिन्यूस लॉग कैन ऑब्जर्व इंटरवल्स ऑफ रेस्ट और लोअर टेम्परेचर्स। ओके, विच इज कॉज्ड बाय इन्फ्लक्स ऑफ वाटर, फॉर्मेशन वाटर और कूलर गैस इन टू द बोर होल थ्रू द रॉक मैट्रिक्स, इन टू द बोर होल फ्लूड्स थ्रू द रॉक मैट्रिक्स एंड मोर यूजली थ्रू द पैरेंट फ्रैक्चर्स। इससे रिलेटेड एक चीज़ और जान लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इनफ्लोज ऑफ द फॉर्मेशन फ्लूड इनटू द बोरल क्रिएट्स अ टेम्परेचर एनोमली, उसी तरह लॉस ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड्स, बेसिकली द इन्वेजन ऑफ ड्रिलिंग फ्लूड इनटू द फॉर्मेशन कैन ऑल्सो क्रिएट अ टेम्परेचर एनोमली, वेयर द कूलिंग ड्रिलिंग फ्लूड एंटर्स इनटू द फॉर्मेशन एंड वी गेट अ कूल टेम्परेचर एनोमली। एक केस ये भी होता है। अब उस केस में ये इफेक्ट का कहाँ यूज़ है, जहाँ पे भी हम फ्रैक्चर्स के बारे में जानना चाहें, बेसिकली दिस इफेक्ट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द हाइड्रोलिक फ्रैक्चर जोन्स। ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चर क्या है, ये बेसिकली मैनमेड फ्रैक्चर्स, नॉट नेचुरल। सो दीज आर पर्पसली फ्रैक्चर्ड फॉर प्रोडक्शन। सो दीज आर बेसिकली पर्पसली डन फॉर द प्रोडक्शन। और हमें एनोमली कैसे मिलती है, बिकॉज अ प्री फ्रैक्चरिंग ग्रेडियंट, जो ओरिजिनल हमारा जो ओरिजिनली फ्रैक्चर प्रेजेंट होगा विल कंट्रास्ट विद द पोस्ट फ्रैक्चर ग्रेडियंट। ओके, एंड विच शोज द कूल एनोमली अपोजिट द फ्रैक्चर। समझ में आई बात,
फिगर देखते हैं, फिगर से शायद और क्लियर हो जाएगा। सो इस फिगर में देख सकते हो, एक हमारा प्री फ्रैक्चर टेम्परेचर है, ओके तो उसमें देखो कोई वेरिएशन नहीं है, बट आफ्टर आफ्टर द फ्रैक्चर बेसिकली पोस्ट फ्रैक्चर टेम्परेचर जब हम देखते हैं तो व्हाट वी सी अ फ्रैक्चर एनोमली, ओके समझ में आई बात। सो बोरहोल टेम्परेचर एनोमली इज क्रिएटेड बाय हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। क्या होता है कि बोरहोल मड एंटर्स एंड बोरहोल मड एंटर्स द क्रिएटेड फ्रैक्चर कॉजिंग अ कूल एनोमली, ओके विच डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर फ्रैक्चरिंग वॉज डन। तो दिस इफेक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू आइडेंटिफाई हाइड्रोलिक फ्रैक्चर जोन्स। क्लियर है? ओवर प्रेशर जोन है, ऑलरेडी बता दिया ओवर प्रेशर जोन क्या होता है, वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इन दैट केस हमें सेम चीज़ है, द फॉर्मेशन फ्लोट फ्लो इनटू द फॉर्मेशन एंड वी बेसिकली सी अ राइज इन टेम्परेचर, ओके ओवर प्रेशर जोन के केस में। तो ये चीज़ें हैं, देखो जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टिविटी है एट सम टेम्परेचर एंड वी वॉन्ट रेजिस्टिविटी एट सम अदर टेम्परेचर, सो वी यूज दिस फॉर्मूला। बाकी तो इसके बारे में रेजिस्टिविटी लॉग में भी बात करेंगे। तो आर डब्ल्यू टू टी, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, आर डब्ल्यू एट टी टू टेम्परेचर बराबर आर डब्ल्यू एट टी वन टेम्परेचर, टी वन प्लस 25 अपॉन टी टू प्लस 25 इन डिग्री सेल्सियस, ओके जस्ट सी द फॉर्मूला। सो सेम थिंग इज रिटन देयर, ऑलरेडी बता दिया है। सो इफ देयर इज एरी ए डायरेक्ट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ फॉर्मेशन वाटर और हाइड्रोकार्बन फ्लूइड्स इनटू द बोर होल, then the log temperature shows a marked increase in the inflow point, okay and ये चीज़ें भी ऑलरेडी बता दी हैं कि जैसे फॉर्मेशन फ्लूड बेसिकली एंटर्स इन द फॉर्मेशन वी सी राइज इन टेम्परेचर इफ गैसेज हाइड्रोकार्बन एंटर इन द फॉर्मेशन वी सी ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड कूल एनोमली इज सीन, ओके ऑल थिंग्स आर डिस्कस हियर। सो दिस कंक्लूड्स अवर टेम्परेचर लॉग। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरी बुक, पॉल ग्रोवर, ओसीरा एंड राइडर, एवरी बुक आई हैव ट्राइड टू कवर्ड। अभी भी कहीं कुछ छूट जाता है तो यू कैन कॉमेंट, मैं उसको भी डिस्कस कर लूँगा। और सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देख लो, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कॉमेंट कर लो। एंड सो इन रिटर्न जस्ट आई वॉन्ट दैट यू गैस सपोर्ट द चैनल, share to your friends, like, share and subscribe, okay, thank you and meet you at the next video, thank you।